आज रसोई के स्वाद में बन रहा है बाजरे का पुआ विंटर स्पेशल जाड़ों के लिए ये बहुत ही अच्छी डिश है अगर जिसको भी स्वीट काविंग होती है या ऐसे भी अगर आप इसको खाइए तो ये बहुत ही हेल्दी होता है हेलो फूडीज वेलकम टू रसोई का स्वाद कैसे हैं आप सब होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे अपना और अपनों का ख्याल रखिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा आज हम बनाने जा रहे हैं बाजरे का पुआ तो चलिए बनाना शुरू करते हैं उसके लिए हमने ले लिया है ये आधा कप गुड़ गुड़ को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया था साथ ही डाल देंगे आधा कप पानी और गैस ऑन करेंगे इसी में हमने डाल दिया है एक चम्मच घी प्योर घी लिया है इसको आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप वेगन डाइट पे हैं तो तो एक चम्मच घी डालेंगे और इसके बाद तीनों चीज़ों को मिक्स करके इसको हम बॉईल कर लेंगे हमें जब तक जो हमने गुड़ लिया है वो घुल ना जाए बस उतना ही हमें इसको पकाना है जब आपका गुड़ घुल जाएगा तब हम इसको गैस को ऑफ़ कर देंगे हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है देखिए हमारा गुड़ इसमें घुल गया है इसको हम रख देंगे और इसको एक बार छान लीजिएगा जिससे अगर इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ हो तो वो अलग

आधा कप तिल लेंगे सफ़ेद तिल लिया है वाइट सेसमी सीड जिसे कहते हैं उसको बिल्कुल एक या दो मिनट के लिए केवल ड्राई रोस्ट कर देंगे आप चाहें तो कच्चा भी इसको आटे में डाल सकते हैं क्योंकि अभी हमको इसको आगे डीप फ्राई करना होगा तो वो ऑलरेडी पक जाएंगे बस मॉइस्चर हटाने के लिए हमने इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया है ये लिया है हमने बाजरे का आटा जो कि है दो कप बाजरे का आटा फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है साथ ही में हम डाल देंगे इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर ये भी ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो डालें नहीं तो नहीं डालें आधा चम्मच इलायची पाउडर इलायची भी जो होती है जो छोटी इलायची होती है वो भी आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है आधा चम्मच वो डाल दिया है जो हमने तिल रोस्ट करके रखा था वो डाल दिया है अब जो हमने पानी बनाया था गुड़ वाला सिरप बनाया था वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम डाल देंगे मेरा जो है इसमें दो चम्मच पानी और लगा था इसके अलावा प्लेन वाटर मैंने दो चम्मच और डाला था एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि गुड़ का सिरप जो आप बना रहे हैं वो बिल्कुल ठंडा नहीं करिएगा वो अच्छा थोड़ा गर्म रहेगा तभी हम इसमें डाल करके इसका आटा गूँदेंगे तो पहले आप इसको स्पून से चलाइएगा जब अच्छी तरीके से आटे में सब चीज़ मिक्स हो जाए तब हम हाथ से गूँ करके एकदम सॉफ्ट आटा इसका तैयार करेंगे आटे की कंसिस्टेंसी इसी पे डिपेंड करता है कि उसमें पानी और लगेगा कि नहीं मेरा आटा थोड़ा सा मोटा था तो मेरे आटे में दो चम्मच पानी और लगा इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा पानी करके डालिएगा जो सिरप बनाया है तो आपके आटे के हिसाब से हो सकता है कि कम भी लगे या एक दो चम्मच ज़्यादा लगे फ्रेंड्स जो ये हमने आज बाजरे का आटा लिया है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है हाई एंड प्रोटीन होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोटीन होता है इसमें तो जो भी वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन के लिए बहुत ही हाई इन फाइबर होता है तो अगर आप कॉस्टिपेशन आपको होता है या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स कुछ हैं तो आपके उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है साथ ही साथ अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो क्योंकि ये बहुत ही हाई फाइबर का होता है तो आपके पेट को काफ़ी देर तक ये आ, फुल रखता है तो बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगती है तो आप बाजरे का आटे को जाड़े में ज़रूर अपने खाने में इस्तेमाल करिए चाहे रोटी बना लीजिए थेपला बना लीजिए पराठे बना लीजिए कुछ भी बना लीजिए जैसे ये मैंने आपको बताया आ, ये आप बाजरे की टिक्कियाँ इस तरीके से बना लीजिए तो जैसे शाम के टाइम अगर आपका कभी मन कर रहा है जैसे शाम को अगर हम जब चाहते हैं चाय वग़ैरह के साथ कुछ लेने के लिए तो आप ये ले सकते हैं जो मैंने इसमें गुड़ डाला है अगर आप थोड़ा और मीठा पसंद करते हैं तो बस आधे कप की जगह तीन चौथाई कप डालिएगा इससे ज्यादा इसको नहीं करिएगा नहीं तो आपको बनाने में बहुत दिक्कत होगी साथ ही साथ ये जो है ये ग्लूटेन फ्री होता है तो अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट पे हैं या ग्लूटेन एलर्जक हैं तो भी आपके लिए आटा बहुत अच्छा है डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है कोलेस्ट्रॉल को लोअर साइड पर रखता है ब्लड प्रेशर को लो करता है साथ ही साथ ये कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा मदद करता है एल्कलाइन होता है और इसके साथ ये बहुत ही हाई फाइबर प्रोटीन एल्कलाइन लोअर ब्लड प्रेशर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वो होती है एंटीऑक्सीडेंट होता है तो बहुत सारी बीमारियों से आपको दूर रखता है एनेमिक अगर आप हैं तो बहुत अच्छा है देखिए मैं किस तरीके से इसके पुएँ बना रही हूँ छोटी सी लेमन साइज बॉ लीजिएगा उसके बाद दोनों हथेलियों को अच्छी तरीके से दबाते हुए हथेली के मदद से हम इसको दबाएंगे और इसकी पतली पूरी मीडियम साइज़ मतलब बहुत ही पतला भी नहीं रखना है और बहुत मोटा नहीं रख है और इस तरीके से पूड़ियाँ बना कर के हम इसकी तैयार कर लेंगे थिकनेस आप देख सकते हैं वीडियो में ऑयल हमने जो लिया है वो ग्राउंडनट हमारा कोल्ड प्रेस ग्राउंडनट ऑयल है इसको हम मीडियम गरम कर लेंगे और इसके बाद फ्लेम को मीडियम करते हुए हम इसको दोनों साइड से अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेक लेंगे तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रही थी कि बाजरे के क्या क्या बेनिफिट्स हैं तो ये अगर आप एनेमिक हैं तो भी आपके लिए ये बाजरा बहुत अच्छा है फॉलिक एसिड बहुत अच्छा होता है विटामिन बी नाइन बहुत अच्छा होता है और बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा होता है स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है आइस के लिए बहुत अच्छा होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज़्म बहुत अच्छा आपका बैलेंस करके रखता है तो आप देख सकते हैं कि अनगिनत फ़ायदे हैं बाजरे के आटे के और जाड़े में ये बहुत ही अच्छा होता है आपके लिए आप को यूज़ करिए थोड़ा गर्म होती है इसकी तासीर तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारी ये टिक्की कितनी खस्ता और अच्छी बनी है बना करके ठंडा करके इसको स्टोर करके रखिए बहुत दिन तक ये चलती है तो फ्रेंड्स होप करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक यू